फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, यानी ADAG की। दोस्तों, अगर आपके पास भी अनिल अंबानी ग्रुप की किसी भी कंपनी का शेयर है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस न्यूज़ को पूरा समझने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अनिल अंबानी ग्रुप की कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना है और कौन सी कंपनी को होल्ड करके रखना है और कौन सी कंपनी में से आपको तुरंत एग्जिट हो जाना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास भी ADAG ग्रुप का कोई भी शेयर है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि आप सही निर्णय कर सको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम उन कंपनियों के स्टॉक की करंट सिचुएशन को जान लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन से शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट है और कौन से में नेगेटिव। सबसे पहले आरकॉम की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 1.85 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 1.95 का हाई बना के 1.95 पर ही 2.63% हाई पर क्लोज हुआ। BSE में करीब 44,04,368 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और दोस्तों पूरी की पूरी डिलीवरी उठाई गई, यानी 100% डिलीवरी मात्रा उठी है। स्टॉक में तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि डिलीवरी बेस काम अच्छा हो गया, पूरी 100% डिलीवरी उठाई गई है और 2-3 दिन तक अपर सर्किट लग सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं रिलायंस पावर की। स्टॉक 2.66 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 2.65 का लो बनाया और वहाँ से सीधा 2.90 तक हाई में गया और फिर 2.89 पर करीब 9.47%, यानी लगभग 10% के पास में अपर में क्लोज हुआ है दोस्तों। BSE में करीब 57,93,579 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो एक अच्छी खासी भारी मात्रा है। उसमें से करीब 19,52,437 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई 473 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 33.70% बनता है, यानी ठीक ठाक मात्रा में डिलीवरी बेस कामकाज भी हुआ है। NSE की बात करें तो 2,21,19,902 जितने भारी भरकम वॉल्यूम में कामकाज हुआ, उसमें से करीब 95,59,700 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 43.22% बनता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ है, जो ये दिखाता है कि आने वाले सप्ताह में स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टॉक 21.60 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से सीधा 22.90 पर 5% अपर सर्किट पर चला गया। BSE में आज करीब 2,28,737 शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो बहुत ही कम मात्रा है, यानी क्योंकि स्टॉक खुलते ही अपर सर्किट में चला गया था। आज करीब 1,32,286 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 57.83% बनता है। स्टॉक में अभी थोड़ी तेज़ी की संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं रिलायंस कैपिटल की। तो स्टॉक 8.12 पर ओपन हुआ, फिर 7.16 का लो बनाया और फिर वहाँ से 8.16 हाई बना के 8.14 पर करीब 4.36% अप पर क्लोज हुआ। BSE में 3,70,012 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 2,05,707 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 55.59% बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस न्यूज़ की जो हम सब ADAG ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उन शेयर होल्डरों का दिल तोड़ देगी। दोस्तों, अनिल अंबानी ने UK की अदालत में कहा है कि मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे खुद का खर्च मेरी पत्नी टीना अंबानी और मेरे परिवार के दूसरे सदस्य उठा रहे हैं और मीडिया में जो खबरें आ रही है कि मैं बहुत आलीशान जीवन जी रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, उसके उलट मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। कभी देश के टॉप 10 बिजनेसमैन में आने वाले अनिल अंबानी ने UK की अदालत में बताया कि मेरी माली हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैंने वकील की फ़ीस अदा करने के लिए मुझे मेरे घर के गहने बेचने पड़े और मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक ही कार है और मैंने इस साल जनवरी से जून तक करीब 9.9 करोड़ के गहने बेच दिए हैं क्योंकि मेरे पास वकील को देने के लिए फ़ीस के पैसे भी नहीं हैं। अब बेचने के लिए मेरे पास कोई कीमती सामान नहीं बचा है। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास तो कीमती कारों का जखीरा है तो उन्होंने कहा यह सब कोरी अफवाह है, मेरे पास एक ही कार है और जो खबरें उड़ाई जा रही है कि मेरे पास रॉल्स रॉयस है वो बिल्कुल गलत बात है, मेरे पास कभी भी रॉल्स रॉयस कार नहीं थी। UK की हाई कोर्ट ने अंबानी से कहा कि वो चीन की 3 बैंकों को 12 जून 2020 तक 5,281 करोड़ कर्ज की रकम और उसके साथ में 7 करोड़ कानूनी खर्च का भुगतान करे। 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अगुवाई में तीनों बैंकों ने अनिल अंबानी की पूरी संपत्ति का खुलासा करने की मांग की है और फिर 29 जून को मास्टर डेविसन ने अंबानी को एफिडेविट के जरिए पूरी दुनिया में फैली अपनी संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया, जिनकी कीमत करीब 74 लाख से ज़्यादा है।
इस आदेश पर कोर्ट को दिए एफिडेविट में अंबानी ने कहा कि उन्होंने रिलायंस इनोवेंचर को 5 अरब का लोन दिया था। उन्होंने बताया कि रिलायंस इनोवेंचर में 1.20 करोड़ की इक्विटी शेयरों की फिलहाल कोई कीमत नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक ट्रस्ट समेत दुनिया के किसी भी ट्रस्ट से उनका कोई भी पैसा नहीं आता है, यानी कोई भी ट्रस्ट से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और इससे पहले अनिल अंबानी ने कबूल किया कि वो भारत के धनी व्यक्तियों में शुमार थे, लेकिन फिलहाल वो एक सामान्य जीवन जी रहे, उनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। उनसे पूछा गया कि आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने कहा वो सिर्फ उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ही पेमेंट करते हैं, जब भी वो इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा उसका कोई पेमेंट वो करते नहीं है। और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अभी तक उसका इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने अपनी पत्नी को लग्जरी याट गिफ्ट किया है, तो उन्होंने कहा याट एक कंपनी के नाम पर है और मैंने सिर्फ उसका एक बार ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। जब उनसे पूछा गया कि लंदन, कैलिफोर्निया, बीजिंग में आपने शॉपिंग के दौरान बहुत खर्च किया है, के जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल है उनसे पता चल रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे की शॉपिंग की है, तो उन्होंने कहा वो शॉपिंग मेरी माँ ने की थी, मैंने नहीं की, इसलिए वो सारे जो बिल है वो माँ के हैं, मेरे नहीं हैं, और मेरे पास तो फिलहाल कुछ है ही नहीं जो मैं दे सकूँ। और मेरे पास जो संपत्तियाँ हैं अगर वो उनको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा तो उनको इन बैंकों का कर्ज़ा चुका सकता हूँ, और फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता और कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो दोस्तों अनिल अंबानी के इस तरह के बयान से हम भोले भाले इन्वेस्टर का तो दिल ही बैठ गया। दोस्तों अनिल अंबानी ने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, अब इन्वेस्टर क्या करे, अब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। तो पहला रास्ता तो दोस्तों ये निकलता है कि अभी शेयरों में थोड़ी तेज़ी का माहौल बना हुआ है, तो जो भी हमारे पास स्टॉक है अगर उसमें थोड़ी सी तेज़ी करके फिर उसमें से अगर निकल ले तो ये हो सकता है। दूसरा एक और रास्ता बनता है दोस्तों कि वैसे भी हमने इस कंपनियों में अपनी पूंजी तो डुबा दी है, बहुत ऊपर के भाव से नीचे आ गए, अब तो 1-2-5 रुपये के शेयर बन गए, तो थोड़ा और इंतज़ार किया जाए, हो सकता है कोई आए और सारी कंपनियों को एक साथ में टेक ओवर कर ले। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे जो भी हमारी तकदीर है बदल सकती है, हमारे भाग्य बदल सकते हैं, उसी के भरोसे हमें थोड़ा और इंतज़ार कर लेना चाहिए। और जो भाई जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो तो इन शेयरों से दूर ही रहे कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर सही नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।